अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टेररिज्म किसी को मदद नहीं करेगी। अगर वो मुल्क जो इनको भेज रहा है हमारा पड़ोसी और ये समझता है कि इससे वो यहाँ की तब्दीली लाएगा, वो नहीं होगा। ये फेल हो जाएंगे। आज 5 जवानों ने शहादत दे दी है, 5 सीरियसली अस्पताल में है। क्या इससे बॉर्डर बदलेगा? क्या इससे, बल्कि इससे तो मुझे डर ये है कि कहीं हमारे लोगों का वो लावा इतना भर जाए कि हम लोगों को लड़ाई पे आने पड़ा। उनको ये देखना चाहिए, पहले ही वो बर्बाद हो गए हैं और लड़ाई दोनों मुल्कों के लिए तबाही ही लाएगा, कुछ और नहीं लाएगा। तो इसको बंद करें, मेहरबानी करके इस टेररिज्म को बंद करें। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके ख़िलाफ़ हैं, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा, इनको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। जो ये टेररिज्म है इसको, ये उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं रखेगा। पिछले दिनों पीएम पाकिस्तान का ये शरीफ साहब ये बोल रहा था कि ठीक है भाई, उसकी काबीना के कुछ लोग के हमें एक बातचीत का रास्ता जो है वो बातचीत का रास्ता करना चाहिए। लेकिन बातचीत का रास्ता तब होगा जब ये बंद होगा। तब तक कैसे बातचीत होगी? हम तो चाहते हैं कि बातचीत हो, मगर बातचीत दोनों चीज़ें इकट्ठे नहीं चल सकती। वक्त आ गया है कि जब हमें अगर दोस्ती चाहिए तो दोस्ती के लिए वो राह बनानी है, और टेररिज्म उस राह की तरफ नहीं है। इसको बंद करना चाहिए और उनको इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। आपकी क्या सहानुभूति है जो जवान शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जो टेररिस्ट? आज ही नहीं, साल है, साल से हमारे जवान शहादत दे रहे हैं। ये हमें तो अफसोस है कि ये बंद होना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि उनके घरों पे भी मातम आए? तो क्या डॉक्टर साहब इसमें सोचा था कि ये टेररिज्म बार बार, आपने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके कहा है पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर रुके हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह जी थे, चाहे वाजपेयी साहब थे, चाहे नरेंद्र मोदी हैं, कि भाई हमें आपसे बात नहीं करनी, आप टेररिज्म को पहले बंद करो। सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई हैं, तो अभी भी वो कर रहा है, तो क्या मुझे समझ नहीं आती कि एक्शन लेना पड़ेगा? नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि उनकी सोच क्या है। मुझे समझ नहीं आती उनकी सोच क्या है। अफसोस इस बात का है, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड, दिस इज वे बैकवर्ड। एंड इफ दे वांट मूवमेंट फॉरवर्ड दे हैव टू स्टॉप दिस थिंग एंड स्टॉप इट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो क्या इसका कुछ, जिस तरीके से अगर ऐसा, आई थिंक द प्रेशर्स ऑफ द वर्ल्ड हैव टू इंक्रीज। द ओनली वे फॉरवर्ड नाउ इज द प्रेशर ऑफ द वर्ल्ड ऑन दैट कंट्री मस्ट इंक्रीज, दैट दिस इज नॉट पाथ टू पीस, दिस इज पाथ टू डिस्ट्रक्शन, स्टॉप इट नाउ।